हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम BMW के ऊपर काम जो चल रहा है, हमने जो ट्रेनिंग दिया हुआ है, वायरिंग बेच वाले लड़के BMW का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको काम दिया हुआ है। ये गाड़ी के अंदर एक्चुअली रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस फीचर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो टास्क हमने उनको दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और क्या उनका प्रोग्रेस है। हाँ, तो अभी आप इसमें क्या कर रहे हो? सर, मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ। हाँ, दिखाओ जरा। आप देख सकते हैं ये सारे मॉड्यूल है गाड़ी में, ये वन बाय वन स्कैन कर रहा है। और किसके लिए स्कैन कर रहे हो गाड़ी में? अभी परेशानी क्या है? सर, पीछे का बैक कैमरा नहीं आ रहा है, उसके लिए स्कैन कर रहा है। तो कौन सा वाला स्कैन किया हुआ है? इसमें कौन सा मॉड्यूल होगा वो रिवर्स पार्किंग के लिए? PDC मॉड्यूल होगा सर, पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, तो इसी में हम जाके देखेंगे। अभी ये रीड कर रहा है, जैसे ही रीड होगा उसमें जाके देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। क्या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डज नॉट रेस्पॉन्ड। ये चार DTC बन रहे सर हमारा। इसमें एक ओपन सर्किट भी है, तो हो सकता है वाइब्रेट के कारण वायर ब्रेक हो चुका है। नहीं सर, जैसे कि अभी गाड़ी में कोई आयरन का पार्ट होता है ना सर, बार बार जैसे कि सस्पेंशन हमारा नीचे ऊपर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर गाड़ी में वायर क्या है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पर वो वायर प्रॉपर फिटिंग में नहीं होगा तभी वो ब्रेक होगा। जी जी, वो अपने आप ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपना उसका रीजन ढूंढना है कि गाड़ी के अंदर वो कौन सी वजह से वो ब्रेक हुआ है, है ना? तो ये DTC के हिसाब से क्या बता रहा है कि भाई बीच में ब्रेकेज है। ठीक है, वो आप क्या करोगे उसमें? फिर ब्रेकेज चेक करेंगे सर हम। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद अपने उसका प्रॉपर उसका रूट कॉज भी ढूंढना है कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है ना? अभी हमारा एक बंदा वायरिंग का जो है उसको अभी वायरिंग चेक करने के लिए पीछे का बम्पर में जो वायरिंग जा रहा है। सर, स्कैनिंग के वजह से हमने जो DTC हाँ देखा, तो इधर वायर का प्रॉब्लम दिखाया इधर सेंसर का। हाँ, तो इसमें क्या दिख रहा है? फॉल्ट फाइंड करके मैंने इधर ये कटा हुआ है। हाँ, दिखाओ। इस वजह से उधर DTC आ रहा है सर। तो आपके हिसाब से वायर कैसे कटा हुआ होगा? शायद ये पैनल के वजह से खिंचाता नहीं होके ये कटा हुआ है। छह वायर तो इधर कटाई हुआ है और दो तीन वायर घिसा हुआ है। इसका जो बाहर का इंसुलेशन है वो कटा हुआ है, निकल गया है। ठीक है, तो आप अभी कॉन्फिडेंट हो के ये वायर जोड़ लेने से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा? जी हाँ सर, इसका ये वायर अच्छी तरह से। अपने फिर आगे क्या देखेंगे? फिर एक बार स्कैन करके देखेंगे कि दूसरा कोई फॉल्ट है तो उसको फिर फॉल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, सकते हो कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में डिफरेंट गाड़ियों पर टास्क दिए जा रहे हैं, और ऐसे ही ट्रेनिंग पाने के लिए आप जस्ट ऑटो सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।